काली एक चाल चलती है, हम 10 चालें तैयार रखते हैं। कैसे जीतेगी हमसे? साहब साहब, बाहर एक्सीडेंट हो गया। यहां कैसे आई थी? आपके इनके साथ क्या परिचय था? ये इंस्पेक्टर तो हमारी तरफ ही आ रहा है। ये कह रहे थे कि इसके पीछे आपका हाथ हो सकता है। वो तो कुछ भी सकता है, और वो तो कुछ भी कह सकती है। इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों को ना तो हम जानते हैं ना पहचानते हैं, भला हम क्यों मारने लगे उनको? अरे ये तो ऐसे ही कहेगी ना, नफरत करती है हमारे परिवार से। वो तो हम देख ही लेंगे। आपको उस ट्रक का नंबर याद है क्या? नंबर सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमने कुछ नोटिस ही नहीं किया। हमें आपके खिलाफ सबूतों की तलाश रहेगी। तुम इनके साथ कर क्या रही थी कली? सबूत लेकर आ रहे थे आप सबको दिखाने के लिए, पर किसी को शायद हमारी ये कोशिश मंजूर नहीं थी। हम नहीं चाहते थे कि कोई इतना गिर सकता है। ओ हेलो, तुम्हें क्या लगा तुम किसी भी ऐसे ऐरे गेरे को हमारे सामने लेकर आ जाओगी और हम मान जाएंगे? क्या सबूत है कि तुमने इन दोनों को ट्रक के नीचे नहीं धकेला सो दैट यू कैन पॉइंट अ फिंगर ऑन अस? हाँ, हाथ पार मत करो गोरी, हम किसी की जान नहीं ले सकते, कभी नहीं। ये दो बेचारे हमारे लिए यहाँ आ रहे थे, हमारी आंखों के सामने इतना खून। कली, कली, चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से, चलो। अरे तुमने ये क्या किया? हमने तुम्हें इनको दफनाने को कब कहा था? बाहर निकालो। अरे साहब, ये आप वाला काम नहीं है। ये तो विरोधी गैंग के लोग थे, इसलिए मारकर दफना दिए। गैंग वाले? तो ये नैना और काली की कब्र नहीं है? नहीं है सेठ। तो फिर नैना और काली कहाँ है? विश्वा, कहीं ये नंदू की करतूत तो नहीं है? पता कहाँ छुपा कर रखा है उसे? सच सच बता, कहाँ छुपा के रखा है? राम के क्या मारते हैं? जाके उस बड़ के पापा से पूछा। मार राक्षस है वो, उसी ने किया होगा ये काम। हमको मार रहे हमारे साहब, कुछ नहीं किया है साहब, ये तो सुबह से घर ही बताए, तो कहीं बाहर भी नहीं निकला है। जी बड़ के पापा, हाँ मैं यहीं पे हूँ नंदू के घर पे। अरे वहां से कुछ तुम्हें पता नहीं चलने वाला? हमारे आदमी ने फोन करके बताया कि आज सुबह काली बस अड्डे पे देखी गई। क्या? अच्छा ठीक है। मिस्टर चौधरी, यहाँ आइए।
इंस्पेक्टर साहब, ये कार किसकी है? ये हमारी गाड़ी है। क्यों, क्या हुआ? क्यों हुआ हम आपको बाद में बताएंगे, पहले डिक्की खुलवाइए। कौन से सने हुए कपड़े? ये तो कली के कपड़े हैं। एक मिनट, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। मिस्टर झा, हम आपको कली की हत्या के शक में अरेस्ट करते हैं। हवलदार, अरेस्ट करो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आपसे गलती हो रही है। हम भला कैसे युग, इन्हें समझाओ ना। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी की चाल है। जी, ये चाल ही है। रुकिए मैडम, ये सबूत है कली के खून का। देख, हमने क्या कहा था? फोन स्विच ऑफ है। नंबर तो स्विच ऑफ आएगा ही, दो दिन पहले तो बंद करवाया है। इंस्पेक्टर साहब, आप चिंता ना करें, आप थोड़ा वक्त दे दें हमें। जैसे ही वो आदमी हमारे पास आएगा, हम आपके पास ले आएंगे, फिर जितना चाहे सवाल कर लीजिएगा उससे। ठीक है, कल सुबह तक का समय देता हूँ। अगर कल सुबह तक कली की कोई खबर नहीं मिली तो आपका हवाला मैं बंद कर दूंगा। मिस्टर झा, याद रखिएगा। हाँ जी माँ। कली, हाँ जी माँ। कोई सुन लेगा। नैना भी ठीक है, हम ठीक है। वो हमने किया था। अंजिमा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, यही आखिरी रास्ता था हमारे लिए। अब रात भर सोचते रहे कि क्या करें। हमें आखिरकार यही आइडिया सोचा, और तब तक हमारे पास वक्त नहीं था कि हम आपको बताएं, इसलिए हमने अकेले ही। प्लीज हमें माफ कर दीजिए अंजिमा। हुआ ये कि मंजीमा, अब हमारे चाल के दूसरे चरण का वक्त आ गया। आपने कुछ सोचा है? हाँ, हम जानते हैं। पाई ढूंढने के लिए पुरोहित जी और बड़के पापा कहाँ गए होंगे? काली की आत्मा प्रकट हो और हमें बता तू कैसे मरी और तेरी लाश कहाँ है।